हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम खेल रहे हैं यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2 एक्सपी और मनी मॉड के साथ। तो मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी, एक घंटे की भी वीडियो बना दी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि इतना पैसा है हमारे पास। तो सबसे पहले मुझे एक कमेंट आया था सीजान द गेमर की तरफ से, फिर ट्रेन द गेमर की तरफ से कि किंग ऑफ द रोड वाली स्किन लगाओ। तो एक्चुअली किंग ऑफ द रोड जो है आई थिंक इस ट्रक के लिए नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो किंग ऑफ द रोड तो नहीं, किंग ग्रिफिन है। तो अभी मैं यही किंग ऑफ द रोड ऊपर लिखा था लेकिन मैं पहचान नहीं पाया, किंग ग्रिफिन है। किंग ग्रिफिन वाली हम लगा रहे हैं इस पे स्किन। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। एक्सटीरियर में ना दो तीन चीज़ें हैं, जैसे ये लाइट्स का कलर वैसा होना चाहिए जैसे हमारा ट्रक का कलर है, उसको लगा दिया। इसको हम क्रोम कर देंगे, ऑब्वियसली नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। हमारा नाम क्या है चैनल का, आई वरुण, और दूसरी साइड रखेंगे हम कुमार। ठीक है, तो ये हमारा इससे पता जाएगा ये हमारा ट्रक है। ये सब स्टॉक है, इसमें एक वेट पैनल लग जाता है, बैक पैनल पता नहीं कहाँ पे लगता है। ओह अच्छा, अंदर होगा शायद, वेट कहाँ पे लगा ये नो आइडिया। हाँ अंदर लगा होगा, बाद में देखेंगे उसे। इसको भी चेंज करो, सबके कलर्स मैच करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, क्रोम कर दो इसको भी, ये सब मैच हो गया। क्रोम लग्जरी लगा सकते हैं इसमें एंड बेसिक चीज़ें करूँगा। जो लाइट्स वगैरह वो अभी नहीं लगाएंगे हम ये वाली लगा सकते हैं अभी, स्पेस वाली ये लगा देते हैं। ठीक है, बाकी एक्सट्रीम तो ऑब्वियसली बाद में करूँगा मैं। और क्या क्या ज़रूरत है, जो सामने हमें विजिबल है ना, हमें उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये सब तो लग रहा है सही ही है। ओके, ये भी लगा हुआ है, ये जो है ये हम बाद में लगाएंगे, लाइट्स बाद में चेंज करेंगे। एक्सक्लूसिव पेंट को चेक करते हैं, नंबर प्लेट को तो चेंज नहीं करते ना। ओ अच्छा, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये रख लेते हैं। लो पेंट डैमेज हो सकता है इससे। वैसे निंजा निंजा वाले हमने डोर स्टेप्स लगा दिए, इस पर पेंट चेंज करो। V8 लगा होना चाहिए, इस पे पेंट लगा दो, पेंट के कलर पे हो जाएगा। व्हील्स को हम चेंज कर सकते हैं अभी, कर दें क्या अभी? आई थिंक ये ट्रेल मास्टर के लिए, ट्रेल मास्टर पे ही छोड़ देते हैं। इस पे कौन सा अच्छा लग रहा है, लेट्स सी। नहीं नहीं ये तो पता ही नहीं चलता मुझे, डिफरेंस ही नहीं दिख रहा, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। इस पे देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। रेवन पेंट है, मुझे क्रोम पसंद है तो क्रोम को छोड़ देते हैं। इस पे भी ये सही है, क्रोम क्रोम लगा देते हैं, सारे क्रोम कर देते हैं, अच्छा लगता है, क्रोम कलर अच्छा है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा मॉडिफिकेशन, यहाँ पे ये लगा देते हैं, ये भी हो गया मॉडिफाई। ये स्टॉक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, इसको चेंज कर देंगे। ओ अभी जैसे ड्यूटी है तो ऐसे लगेगा, प्लास्टिक में ऐसे है, ड्यूटी पेंट में ऐसे है, और पेंट में पूरा कवर हो जाएगा ये। तो मड फ्लैप्स हैं ये, इसको हम यही छोड़ देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ डिफरेंट, हाँ यहाँ पे भी चेंज हो सकता है। ओ नाइस नाइस नाइस। तो एक है प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिक दिखता है, पेंट और प्लास्टिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक पूरा पेंट है, पूरा ब्लू हो जाएगा, वेरी नाइस। ठीक है, ये भी हो गया, ये तो हुआ, पहले से हमने खरीद लिया, कुछ नहीं है ना। चलो आई थिंक सारा हो चुका है जितना हमें चाहिए, अब हम ट्रिप भी शुरू करते हैं वरना यहीं पर रह जाएंगे। इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, तो स्पेस ही ठीक लग रहा है। तो हमारा कुछ पैसा लगा ही नहीं, वाह ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, उल्टा माइनस हो गया टोटल, टू पे मतलब रिफंड आ गया थोड़े से, तो 1,21,000 यूरो कर दिया हमने खर्च। ये रहा हमारा ट्रक, एक बार मैं आप लोगों को लाइट दिखा देता हूँ। पार्किंग लाइट्स, लो बीम, हाई बीम, बीकन। तो बीकन पे ऐसे होगा, ये लाइट ऐसे दिखेगी। इसको बंद भी कर सकते हैं, अभी तो ऑफ कर सकते हैं, हाई बीम भी छोड़ते हैं। ठीक है, ओहो ये मैंने कील कब लगा दी मुझे पता ही नहीं चली, हमारे टायर में से कीलें निकल रही हैं, कल तो काफ़ी डोप रहा है। ठीक है, रुक क्यों नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अब हम ड्राइवर को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, मुझे लग रहा है इसे थकान हो चुकी है। हाँ रेस्ट दे देते हैं एंड फिर हम मिलते हैं। ओके, हो गई सुबह,
ड्राइवर का रेस्ट पूरा हो गया एंड एक बार देख लेते हैं कि हमारे जो बाकी हमने हायर किए थे ड्राइवर्स उनका क्या हाल चाल है। तो मटेउस का 8.3 रेटिंग हो चुकी है, प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। इन सेकंड वाले ड्राइवर साहब का थोड़ा कम है रेटिंग, और सोलोया मैम का तो अभी एक ही ट्रिप करी है उन्होंने, कोई बात नहीं। हाँ, तो सबसे पहले तो ये हमें करना है, हमने ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे हम कोई ट्रक डीलर को डिस्कवर करते हैं। तो अगर मैं ट्रक डीलर पे क्लिक करता हूँ तो देखो ऑस्ट्रिया में तीन और हैं, वियना, ग्रैज, सेल्सबर्ग, फिर म्यूनिच, फिर जर्मनी आ जाता है, म्यूनिच, नूरेमबर्ग, चेक रिपब्लिक में प्राग में, स्लोवाकिया में ब्रेटिस्लावा में, हंगरी में बुडापेस्ट में। मुझे इतनी सारी जगह याद तो होंगी नहीं, तो अब मुझे पता नहीं अब ट्रिप उठानी है, लेकिन इसमें से तो कुछ होना चाहिए। तो म्यूनिच, नूरेमबर्ग, प्राग, ड्रेसडेन, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो हम जाते हैं जॉब मार्केट पे और फ्रेट मार्केट पे। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा है? रूट लेंथ अगर हम करें तो ऑस्ट्रावा, यहाँ पे तो जाने का फ़ायदा नहीं है। एक स्टुटगार्ट है, ये हमें हाई पेइंग जॉब तो है, लेकिन हम देखना पड़ेगा स्टुटगार्ट में है कि नहीं एक ट्रक डीलर। ठीक है, ये तो दूर दूर जा रहे हैं, 525 किलोमीटर ऐसा है ही बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं स्टुटगार्ट या ऑस्ट्रावा में कहाँ पे है। स्टुटगार्ट वो कहाँ पे है? ट्रक मैनेजर स्टुटगार्ट या हाँ स्टुटगार्ट में है। चलो 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 स्टुटगार्ट चलो, ऑस्ट्रावा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो अब हम जाते हैं फ्रेट मार्केट पे, और यहाँ है ना हम डायनामाइट लेके सॉरी डायनामाइट लेके जाएंगे। 525 किलोमीटर की जर्नी होगी, 29,376 यूरो और 54 यूरोस पर किलोमीटर। ये हमारा फ्रेजाइल कार्गो के अंडर आता है, एडीआर क्लास वन के अंडर आता है। ओके, डायनामाइट 17 टन। तो चलो इसे जीपीएस पे सेट कर देते हैं एंड लेट्स गो। तो हमने V8 की लाइट लगाई थी, कहाँ है वो? अच्छा, ओ नाइस, ये रही वो V8 की लाइट, रेड कलर की आप लाइट देख पा रहे होंगे। जीपीएस को तो हटा ही दो, क्लोज कॉल था। ज़्यादा दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, शायद 1 किलोमीटर ही है, पास में ही है। NBFG जाना है ना? ठीक, तो मैंने गेम में स्केलिंग को 400% कर दिया ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखे। आई एम नॉट श्योर आपको कैसा दिख रहा है गेम में, कुछ फ़र्क है कि नहीं मुझे प्लीज़ बताओ। एंड इतनी मेहनत करो मैं तो, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रा लाइक तो करा करो। जब आप, मुझे पता है काफ़ी लोग हैं आप लोग लाइक करते हैं। ओके, अब मेरे लिए रुक गया अपने आप। हाँ, तो मैं कह रहा था काफ़ी लोग हैं जो मेरी वीडियोस पर डेली लाइक करते हैं, मुझे पता है, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी देखते हैं, 10 के ऊपर लाइक्स तो कम से कम आ जाए। मैंने 50 लाइक्स के लिए बोला था हमारी 1 आवर वाली वीडियो के लिए, तो अगर आप इस पर भी कर सकते हैं 10 लाइक्स के ऊपर या 50 लाइक्स के ऊपर तो बहुत बड़ी बात है। हमारा ट्रक तो काफ़ी चल रहा है। तो डायनामाइट, ओहो, 800 किलोमीटर अभी हम नहीं कवर करेंगे, हम डायनामाइट ही लेके जाएंगे लिंस से स्टुटगार्ट। वो रहा हमारा ट्रेलर, कैसा लग रहा है ट्रक आप मुझे बताओ? किंग ऑफ द रोड लग रहा है क्या? किंग ऑफ द रोड अटैच कर दिया, इसमें V8 देखो काफी अच्छा लग रहा है लिखा हुआ। तो ये हम डायनामाइट लेके जाएंगे अब। एक्सप्लोसिव के अंडर आता है ये, पर बस आई डोंट थिंक सो ट्रक एक्सप्लोड कर जाएगा अगर हमने ठोक दिया था कहीं, या कर जाएगा पता नहीं, वो तो टेस्ट करके ही पता चलेगा। क्लियर है अभी तो, मिनी बस टाइप्स आ रही है। यहाँ भी एक गराज थी, लेकिन गराज अभी खरीदने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास नए ट्रक नहीं खरीद पाएंगे, हम सिर्फ स्कैनिया और मैन के ट्रक खरीद सकते हैं। अब हम थोड़े डिफरेंट ट्रक्स का सोच रहा था कि मैं थोड़े डिफरेंट ट्रक्स खरीदूंगा जो अभी तक है नहीं हमारे पास। मुझे दिखा कि वो रेड लाइट पे रुके हुए सारे हैं, तो मैंने फुल स्पीड में निकाल लिया लेफ्ट लेन से।
थिंक कि हम उस हिली एरिया से जाएंगे। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा था तो उसमें हमने हिल्स के थ्रू गए थे, है ना। अरे एक बार वो तो देख लें कि एक्सपेक्टेड क्या टाइम है। तो ये कह रहा है कि हम वेडनेसडे 2:30 तक पहुँचेंगे और अभी 7:50 हुए हैं, ठीक है, मान लो 8 बजे हैं और 2:30 तक पहुँचेंगे। देखते हैं 2:30 तक। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग कैसे, मतलब किससे खेलते हो। तो मैं एक्चुअली माउस और कीबोर्ड से खेलता हूँ। काफ़ी पुराना माउस और कीबोर्ड का मेरा सेट है जो मैंने खरीदा हुआ था, लॉजिटेक का, आई थिंक MK375 या 345 वायरलेस कीबोर्ड है। और माउस तो हम फिर सेटअप टूर पे दिखाएंगे, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है। मुझे गेमिंग व्हील चाहिए लेकिन 19,990 रुपीज़ चाहिए इसके लिए। क्या लगता है आपको, 19,900 रुपीज़ कहाँ से गैदर करें? अभी तो हमारा चैनल तो मोनेटाइजेशन के अंडर भी नहीं है कि हम यूट्यूब से पैसे कमा के खरीदें स्टफ, राइट। तो वो तो तभी होगा जब आप लोग वीडियोस को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे अच्छे से, तो ही हम मोनेटाइजेशन के अंडर आएंगे। यूट्यूब के रूल्स जो हैं काफ़ी हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो वो टाइटेंड हैं, इसलिए हम थोड़े फंसे हुए होते हैं। पहले तो होता था कि 10,000 व्यूज़ अगर आपके चैनल पे आ चुके हैं तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब चाहिए आपको कम से कम 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर। मेरे तो सिर्फ अभी 130 एक सौ हाँ 130-135 सब्सक्राइबर्स हैं। 130-135 सब्सक्राइबर्स तो काफ़ी कम है उस हिसाब से, अगर हम सोचें कि मोनेटाइजेशन चाहिए हमें तो। 4,000 घंटे भी बहुत होते हैं। अभी मान लो मैं 300 घंटे पे हूँ तो मुझे 3,700 घंटे और चाहिए। तो सपोर्ट करो एंड हम भी लेते हैं एक लॉजिटेक G29। करना तो आपको कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी वीडियो देखनी, जैसे आप देखते थे। अगर बीच में एड्स आएंगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मोनेटाइजेशन तो है, अच्छी बात है। मेरा एक्चुअली दूसरा चैनल है, उसका नाम वरुण कुमार रेसर है। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं वरुण कुमार रेसर तो मेरा दूसरा चैनल दिखेगा आपको। वो मेरा एक्चुअली प्राइमरी चैनल है जिसपे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, मतलब उसी से शुरू किया था ये जो गेमिंग का। ये तो ऐसे ही आउट ऑफ द वे शुरू हो गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हिंदी कमेंट्री वाले यूरो ट्रक सिम्युलेटर तो ज़्यादा लोग नहीं खेलते, खेलते भी हैं तो बिना कमेंट्री के खेलते हैं और बसें चलाते हैं। मतलब बसें भी सही लगती हैं, कूल लगती हैं, लेकिन जब गेम का नाम ट्रक सिम्युलेटर है तो आई थिंक ट्रक चलाने में तो सेंस बनता ही है ना। अगर बस सिम्युलेटर होता तो बस चलाते हैं। अब ट्रक सिम्युलेटर में बस चला रहे हो तो पता नहीं, मुझे वियर्ड लगता है। इवन तो मैंने इनको ट्राई करा हुआ एक बार, मज़ा तो इतना नहीं आया, बहुत पहले की बात है, तब मॉड्स का इतना ध्यान नहीं था मुझे। अब तो वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, अपग्रेड आते रहते हैं, तो उसके वजह से पता नहीं चलता कुछ। देख लें एक बार, ज़रूरत है तो यहीं भरवा लेंगे। 477 लीटर्स का फ्यूल है अभी, ठीक है, यानी कि 1500 किलोमीटर नहीं भरवाने की ज़रूरत है। ओके, ये जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी का फ्लैग बना हुआ था। काफ़ी सुंदर है व्यू यहाँ से। बच गए, वो ट्रंक कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रक फ्यूल स्टेशन से ही आ रहा था।
एक्सप्लोसिव्स लिखा हुआ है यहाँ पीछे, 1.1D, क्लास वन के है ना ये, डेंजरस आर्टिकल्स के अंदर आता है 1.1D। मॉडिफाई करके अच्छा लग रहा है ये जो ब्लू रेड लाइट्स हैं, स्कैनिया की V8 लिखा हुआ है, प्रोफेशनल फीलिंग आती है थोड़ी। ये गाड़ी कितनी स्पीड में गई हमारे लेफ्ट वाली, सब सब ट्रैफिक मतलब कैसे गेन कर लेता है स्पीड समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मैं तो कितना पीछे रह जाता हूँ, मैं तो इसीलिए स्लो हो जाता हूँ कि कुछ पता नहीं है ये लोग कभी भी ब्रेक मार देंगे। फिर बताइए आपको, ये देखो ब्रेक मारने शुरू कर दी ना। डायनामाइट लेके जा रहा हूँ, गैप दे दो थोड़ा प्लीज। हॉर्न ओके प्लीज। अब हम स्पीड फाइनली पिकअप कर पा रहे हैं थोड़ा। व्यू तो बहुत अच्छा है गेम का, आप देख सकते हो। नहीं, अगर हम इस ट्रक के पीछे रहेंगे तो फिर हम पीछे ही रह जाएंगे। 134, 35 डाउन द हिल है, स्पीड बढ़ रही है 137। इस ट्रक का ये सबसे अच्छी बात है कि आप जब ब्रेक मारते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता ट्रक को रुकने में, वरना आधे से ज़्यादा ट्रक्स तो वहीं स्ट्रगल कर जाते हैं और सीधा फिर बूम। इसमें एक्चुअली एक और चीज़ है जिससे हमारा एक ऑप्शन है जिससे हमारा ड्राइवर कभी थकेगा नहीं, लेकिन वो मैंने ऑफ करा हुआ है क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा ये ना रियलिज्म खत्म हो जाता है गेम में कि अच्छा इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है क्या गेम में। एक बार हम वो देख लेते हैं एवरेज क्या आ रही है, पुअर एवरेज होगी, 1.1 पे गिर गए वापस। ये ट्रेलर अभी तक नहीं मिला हमें लग्जरी एसयूवी वाला। ये रुकने वाले हैं या नहीं रुकने वाले हैं, साइड से निकलना पड़ेगा, बीच में कोई वो ना आ जाए, स्टॉप साइन ना आ जाए। उप्स डेज़ी। डैमेज हुआ क्या ट्रक? बच गया, अभी डैमेज नहीं हुआ। ये कहाँ आ गया? ओके, ये रेस्टिंग वाला एरिया है, हमें रेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें जल्दी पहुँचना है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? डैशबोर्ड पे शो नहीं करता क्या? विजिबल नहीं है ठीक से। 10:43 हो रहा है अभी तो, 7 बजे तक पहुँचना था शायद हमें। अभी रहने देते हैं। कहाँ जाना है? यहाँ नहीं जाना, वहीं जाना था क्या? ओ नो 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 नो। तीन सौ 16 किलोमीटर रह गया। ये क्या हो गया मैप में? देखते हैं, मैंने कुछ मिस कर दिया लगता है। अगर हम यहाँ से जाते तो 598 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है, और अगर हम ये वाली लेन पकड़ लेते, नहीं तो 465 यहाँ से जाके, नहीं नहीं
नहीं, ये लेन स्विच नहीं करने दे रहा ना, ऑल्टरनेट नहीं दिखा रहा कोई रास्ता। ये 355 किलोमीटर है, ये 316 किलोमीटर है। नहीं दिखा रहा। आई थिंक हम आगे निकल गए थोड़ा। ये क्या हो गया, हमारे चक्कर में एक्सीडेंट भी होगा क्या? सॉरी 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 सॉरी, प्लीज हमें यहाँ से इलीगल रिवर्स करने दो। ये देखना है कि 317 किलोमीटर से कुछ डिफरेंस बनेगा क्या। चलो हो गया, अब देखते हैं 318 किलोमीटर से क्या डिफरेंस था कि मैंने इतनी मेहनत करी। ज्यादा ना हो जाए बस। 261, अरे वाह, 50 किलोमीटर का डिफरेंस था जो मैं कट छोड़ रहा था। पता नहीं चला एक्चुअली कि राउंड अबाउट, फिर मुझे लग भी रहा था कि इस रोड से कर नहीं पाएंगे हम, लेकिन अब मैंने कहा एक गैम्बल तो करना ही पड़ेगा, क्या पता सीधे जाते जाते बच जाए टाइम। अब कहाँ से जाना है, यहीं से है ना? हाँ, अच्छा यहाँ पे कोई टर्न नहीं था। ओके, ये बंद भी है रास्ता, इसलिए उसने एक ऑल्टरनेट डिटोर बना दिया। क्लियर है सारा। एग्जिट करना है हमने। काफी टाइम से हो गया, देखा 260 किलोमीटर की जर्नी थी, हम 300 कुछ पे पहुंच गए थे। तो कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी होगी, आपसे भी हो सकते हैं अगर आप खेल रहे होंगे कभी से। आगे से हमने राइट लेना है। सेंटर वाली रोड पे रहते हैं, आगे जीपीएस शो कर रहा है कि हमने स्विच कर लेनी है। थोड़ा लैग होना शुरू हो गया 32 फ्रेम्स से, मुझे लग रहा है कि स्केलिंग कम करनी पड़ेगी। अगर मैं वो इस आउटर कैमरा के साथ खेलूं फिर लैग देखो कम हो जाता है, स्मूथ हो जाती है गेम। काफी अच्छी रोड है ये, फुल लेंथ वाली रोड है, 3 लेन वाली है।
मुझे एक मैन TGX का कोई किसी ने रिकमेंड करा था मॉड, मैट कैट का था शायद। मैं उसे भी ट्राई करूँगा, ट्रक का ही था। ट्रक के मॉड्स तो इसमें चल जाते हैं, बस के मॉड में थोड़ा इश्यू है, कंपैटिबिलिटी है कि अगर डेवलपर्स साथ साथ में अपग्रेड कर रहे हैं ना फिर ठीक है, नहीं कर रहे तो फिर लॉस है। थोड़ा शांत हो गया क्योंकि मेरी मिस्टेक से मैंने थोड़ा एक्सीडेंट कर दिया। ओके, यहाँ पे क्या हो गया? केमिकल्स लेके जाने वाला या फिर डायनामाइट तो नहीं लेके जा रहा था हमारी तरह? ट्रैफिक देखो, हमने एक लाइन वाला ट्रैफिक कर दिया पूरा। अब हमारे लेफ्ट से सारा ट्रैफिक जाएगा धीरे धीरे। तो 600 किलोमीटर का है, हमें तो 120 किलोमीटर कवर करना है बस। हमारे नीचे शायद टनल था पीछे, काफी ब्यूटीफुल जगह ही है, जर्मनी बहुत सुंदर है। और इतने पहाड़ पेड़ देख के, तो अगर आपने ग्रीनरी पीछे नोटिस करी होगी तो बहुत ही बढ़िया थी। आप लोग रिलैक्स करके ये गेम देख रहे हैं इसलिए मैंने बीच बीच में माइक बंद कर देता हूँ, क्योंकि रिलैक्सिंग गेम है, बहुत रिलैक्स हो जाता है इसको देख के। मैनहाइम लिखा था, मैनहाइम के लिए राइट, तो स्टुटगार्ट जो होगा मैनहाइम के पास में ही है आई थिंक सो। स्टुटगार्ट फिर भूल गया मैं, स्टुटगार्ट, उनको स्टुटगार्ट बोलने की आदत हो चुकी है। आगे रोड देखो कैसे टेढ़ी मेढ़ी रोड आ गई।
टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा जाते जाते एक जगह हम पहुंच जाएंगे, गलत जगह नहीं पहुंचना। लेकिन कितने टर्न हैं? 1 2 3 टर्न होंगे शायद। हम स्टाइन ब्रूस जा रहे हैं, तो स्टाइन ब्रूस तो थोड़ा माइनिंग वाला एरिया ना, माइनिंग वाला एरिया तो हमेशा पहाड़ों के पास होता है या फिर पहाड़ पे ही होता है। हमने सीधा नीचे जाना है क्योंकि मैंने वो ऑप्शन ऑफ कर दिया था जिसमें वो हमें पार्किंग के लिए बताता है बार बार। 30 XP शायद फिर मिल जाता, 1 लाख XP सॉरी, लेवल बढ़ जाता हमारा। देखो ड्रिफ्ट करते हुए ट्रक जा रहा है हमारा। ये हो गया यहाँ पे ट्रिप खत्म। एक्सीलेंट मिला, 570 किलोमीटर्स, 456 लीटर्स। एक्सपी कितना मिलता है? फिर 1 लाख। ट्रेलर मनोवरिंग बोनस का हमें फिर से 1 लाख मिल गया। बार बार 1 लाख मिलेगा क्योंकि वो मॉड लगा हुआ है। तो लेवल 88 पे हम आ चुके हैं, अब हम लेजेंड है, ठीक है, लेवल 88 वाले लेजेंड है। 29,000 यूरोस एंड 1 लाख XP। वेरी इंटरेस्टिंग। ड्राइवर मैनेजर्स को एक बार चेक कर लेते हैं और क्या कर रहे हैं लोग। दो ट्रिप्स 2,500, 2,500 यूरो का फ़ायदा है अभी, और 4,500 यूरो का प्रॉफिट। ट्रक डीलर देखते हैं, हमें जाके विजिट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ट्रक डीलर्स कहाँ पे है? हम यहाँ पे है ना, एक मैनहाइम, स्टुटगार्ट जाना पड़ेगा उसके लिए हमें। ओके, मैप मैप में जाते हैं एक बार। हम मैप का है हमारा, मैप 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 ये रहा, क्वेश्चन मार्क ये रहा, ना पास में ही था, दूर नहीं है। तो नेक्स्ट एपिसोड में होगा ये। 150 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर के बाद हमें वहाँ पे आई थिंक नया ट्रक डीलर मिलेगा, गराज भी है, सब कुछ हम यहाँ पे स्पेंडिंग कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को 10 लाइक्स, 20 लाइक्स, 50 लाइक्स, 100 लाइक्स, जितना लाइक्स है आप उतना दे दो, एंड फिर हम एपिसोड भी अपलोड करेंगे। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।